अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। और आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आज का व्लॉग हमारा कोई ट्रैवलिंग वीडियो या फिर किसी किस्म का नहीं है। आज हम जो कुछ करेंगे घर पर ही करेंगे। तो आज कुछ ऐसा सीन है कि दोस्तों ने कहा है मुझे कि आज हमने एक छोटी सी पार्टी करनी है और सब कुछ हमने खुद जो है वो रेडी करना है। तो अभी मैं कसम भाई हमारे कुक होंगे, उनके पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि क्या क्या चाहिए, जो भी चिकन वगैरह हमने खरीदना है वो हम, और वहाँ से हम जाएंगे। तो अभी हम घर से निकल के इधर दोस्त के पास आए हैं। अभी कसम कुकिंग है भाई, हमारे कुक आज के हमारे हमारे साथ हैं। आज हम इधर आए हैं दोस्तों से, इससे काम है थोड़ा, इससे मिलेंगे और वहाँ जाएँगे बाज़ार में, वो वहाँ से हम खरीदेंगे चिकन। कसम भाई ऐसी बात फिर देखेंगे हमें कितना चिकन चाहिए और क्या क्या और उसके साथ होता है। तो अभी चलते हैं, अभी दोस्त आने ही वाला है। जी दोस्तों, तो हम भी चिकन लेके घर आए हैं और थोड़ा उसकी सेटअप को धो के अभी छोटी छोटी करेंगे, उसके पीसेस करेंगे। उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि आज हम टिक्के बनाएंगे देसी ही वाले ये, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। शेर को भी साथ लिया है और मसाला लगा के सीन कुछ इस तरह है कि हमने अभी वो क्या जो चिकन वगैरह बिल्कुल साफ करके उसको रेडी कर लिया है। अब देख रहे हैं आप, ये दोनों भाई लगे हुए हैं, ये क्या तैयार कर रहे हैं आप, ये क्या है बताएं ना, इधर बताएं इनको। इधर ये तैयार हो रहा है जी मसाला, जो सारे मसाले हैं जो इसमें डालते हैं वो अभी ये लेमन काट के इसमें मिक्स कर रहे हैं। अदरक काटा है, मसाला अदरक को ग्राइंड किया है, उसके बाद लहसुन को ग्राइंड किया है, ये सारी चीज़ें मिक्स करके चलो साथ साथ आपकी रेसिपी भी हो जाए। तो इसको किया है, अभी ये चिकन पड़ा है इसके साथ उसे मिक्स करेंगे, ये नमक पड़ा है, ये सब चीज़ें रेडी कर लेंगे। मसाले अदरक पाउडर डालेंगे, इसमें अदरक पाउडर भी डालेंगे और फिर से हमारा जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और इसको हम तकरीबन 4-5 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे, वो मैरिनेट हो जाए इतनी देर में हम अपने दोस्त के पास जाएंगे, वहाँ से कैमरा उठा के लाएंगे, सीन ऐसे ही चलता है। तो दोस्तों ये मसाला जो है वो सारा और चिकन वगैरह हमने मैरिनेट के लिए इसको छोड़ेंगे 4-5 घंटे के लिए। घर में आप भी ट्राई कर सकते हैं वैसे भी, देखो ये बिल्कुल चेक कर रहे हैं सारा। तो अभी हम हमने वो जो उसके लिए आग जलाने के लिए थोड़ा इंतज़ाम करना है वो भी करेंगे साथ साथ आपके साथ।
अच्छा तो दोस्तों अब सीन कुछ इस तरह हो चुका है कि हमने सारी तैयारियां बिल्कुल कर ली हैं। जो ऐसे आपने देख चुके हैं कि हमने सारा उधर ये सारा सामान कासम भाई सारा सामान लेकर आ रहे हैं। जी जी बात सुने के पानी सदा ले आओ। हां सब ले आओ, पानी शानी सब कुछ ले आओ। ठीक है, ये देखें भट्टी शरीफ लोग जो है उन्होंने भट्टी को जला दिया है और ये सारा सामान अभी रेडी है और चंद ही मिनटों में हम सारा आ गया। ये फ्रीजर में रखा हुआ था फ्रीज होने के लिए, तकरीबन 4-5 घंटे इसको हो चुके हैं। अब बिल्कुल जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है, जैसे आप देख सकते हैं। तो चंद ही मिनटों में हम जो है चिकन टिक्के वो तैयार करेंगे। थोड़ा उसको बस भी दिखाते हैं, ये आग जल रही है। चंद ही मिनटों में कोयले बिल्कुल हो जाएंगे रेडी। शेजेब माछी सीन बिल्कुल रेडी है, देख रहे हैं आप। हम अभी ये देखें कासम भाई स्वीपर जो है वो चिकन की जो है छोटे पीसेस हैं हमने किए वो लगा रहे हैं अभी। ये रखिए और इधर हम अभी इसके ऊपर लगाएंगे सर। बिल्कुल हमारा बिल्कुल सारा किचन रेडी है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। पर जी जी इंशाल्लाह रखिए आप। तेरा तेल जलाना है ऐसे? ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे ठीक है, तेल बाद में लगा लेंगे। मैं तो लोहे मारो, एक तो लोग ही नहीं बन गई थी इधर। ये क्या कह रहा है? अच्छा तो दोस्तों देखा आपने, ये हमारा सारा सिस्टम बिल्कुल रेडी है। एक बंदा हमारा थोड़ा आज नहीं आ सका, गुलाम अली आज ना एब्सेंट है, कोई वजह होगी इसकी। इधर रख दो लाइट, इधर जल्दी से लगा रहे हैं दोनों। चंद ही मिनटों में हमारा जो है ना बिल्कुल हो जाएगा तैयार। हमने इसको आग पर वो जल्दी तैयार हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो रहा है अभी। आग भी बहुत तेज नहीं है, स्लो स्लो ही आग। क्या कर रहे हैं जी, ये क्या कर रहे हैं थोड़ा बताएं ना। ये छुरी चल रही है इधर देखें, ये हमारी सी है बिल्कुल रेडी होने के करीब है। अभी नहीं आओगी कासम भाई, थोड़ा सा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, आप सोच नहीं सकते कि मुझे कितना मजा आ रहा है। यही बात, सो हैप्पी। ये हमारा हमारी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा, इंशाल्लाह देखें। ये सुजेब भाई भी आज कुछ बोलना शुरू कर दिया, वैसे तो ये नहीं बोलते, इनको बहुत शर्मा दी। दो दोस्त गए अभी वो रोटी लेने गए, हमारे जो हैं शेफ उनको प्यास लग गई है, वो पानी पी रहे हैं पीछे। छोटे शेफ जेड़ा साफ साफ कर गए उत्तर पुत्र पंजाबी पंजाबी उनके कह जावी। और मैं ये शेफ का हेल्पर है जो गोश्त वगैरह साफ करता है। मुझसे काम वगैरह नहीं होता इसलिए मैं थक जाता हूं। कपड़े तो छुड़वा लिया मेरे को, मैं थोड़ा रेस्ट भी कर रहा हूं साथ साथ, और साथ मेरी वीडियो भी बनानी है इसलिए काम है। आज का हमारा देसी बारबेक्यू बहुत ही अच्छे अंदाज से जा रहा है, देखें आप। बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट है, सर्दियों की रात है, बहुत ज़्यादा कासम भाई माइंड काम कोई नहीं कर रहा अभी। हमारे कोयले ख़त्म हो चुके हैं, कोयले बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। हमने वो शापर पहन दिए नीचे, और हमारे अभी जो है हमारे पास चिकन बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, वो देखें आप, चिकन बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। और जो है ना हमारा हमारे कोयले ख़त्म होने के करीब हैं, तो देखते हैं क्या बनता है हमारे साथ। हमने ये भी तैयार किए हैं इधर लाइट जलाएं थोड़ी, सुबह तंदूरी ला लेने
ये अभी हमने रेडी किए हैं, चेक कोई नहीं किए अभी, नहीं किए थे पहले थोड़े चेक, काफ़ी अच्छे बने काफ़ी अच्छे बने थे कि काफ़ी डायलॉग मारते हैं क्या तो हमारा बस सेटअप बिल्कुल तैयार हो चुका है, देखा आपने, अब बस टूर पड़ने का वक्त है। ये देखें सब कुछ रेडी है, रोटियां ले आए हैं, पानी है, कैच वगैरह सब कुछ कर लिया है, अब हम खाएंगे। हाँ जी दोस्तों, तो कैसी लगी आज की हमारी ये छोटी सी नाइट पार्टी, आपको बहुत ही मज़ा आया, हमने कुकिंग भी खुद की थी और फर्स्ट टाइम था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम ऐसी बहुत सी मज़े की वीडियोस जो हैं वो बनाएंगे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आपसे रिक्वेस्ट है कि बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप पहुँच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।